तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसराइल जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है और इसराइल जाने के लिए आपको कौन से ट्रेड के लिए जो है वैकेंसी है, सारे वीडियो पर हमने डीपली बात करी थी कि आपको जो है कैसे टेस्ट देने हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए और टेस्ट देने के बाद से आपका सैलरी क्या होगा अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखते हैं। फाइनली हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि अगर आप इसराइल जाना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आप प्री इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर चुके हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हैं, बहुत सारे लोग डाउट्स में हैं कि हम अभी क्या करें, हमारे प्रोफाइल में प्री इंग्लिश टेस्ट पास कर चुके हैं लेकिन हमारे प्रोफाइल में कैसे अप्लाई करने हैं। तो आप अगर किसी भी साइबर कैफे से ऑनलाइन अप्लाई कराए हैं या खुद से किए हैं तो बहुत ही सिंपल स्टेप में आप जो है जानेंगे यहाँ पे कि ओवरसीज जॉब के लिए अप्लाई हम कैसे करेंगे। यानी जैसे ही आप अपना टेस्ट पास कर चुके हैं, इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, तो इसमें जॉब के लिए, इजराइल जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, जो नेक्स्ट फेज बताया जा रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप जो है कार्यालय संपर्क करें या ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप जो है जहां जहां से आप टेस्ट पास किए वहां संपर्क करें, तो वैसा आप अपने खुद मोबाइल से आप जो है अपना काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम यहां पे सीखेंगे और वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो देखिए, सिंपली इसके लिए हमें इस वेबसाइट पे आना होगा, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो आप लिंक देख पा रहे हैं, rozgarsangam.up.gov.in, इस वेबसाइट पे आने के बाद से कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, हायरिंग फॉर इसराइल, टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी। अब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमारा जो यहाँ पे रियलिटी, इस पे क्लिक कर सकते हैं या अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या अप्लाई यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे तीनों में कहीं अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे मैंने इस पेज पे क्लिक किया, फाइनली आ जाएगा यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी दिया गया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर गेट द जॉब इन इसराइल। अब यहाँ पे फाइनल आपको एक एक चीज डीपली यहाँ पे रीड कर लेना है, यानी कि जो भी आपका जो है इंट्रोडक्शन है, सब कुछ यहाँ पे डीपली आपको जो है जानने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप रीड कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रीड करें तो अच्छे से रीड कर ले, एक एक चीज कहाँ कब क्या होने वाला है, सारे स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे बीच में ही दिया गया है, रजिस्टर ऑन रोजगार संगम पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको क्या हो जाएगा, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे जॉब सीकर का, ठीक है, जॉब सीकर का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड वाला साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है। आपने ऑलरेडी प्रोफाइल बना रखा है तो आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी साइबर कैफे से ऑनलाइन अप्लाई कराए हैं तो आपको एक मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल प्रोवाइड किया वो मोबाइल नंबर से यहाँ पे आपको पुट करने हैं, और दूसरा यहाँ पे आप जो है आपको एक साइबर कैफे की तरफ से एक पासवर्ड मिला हुआ था, इसमें आप पासवर्ड कैप्चा फिल करेंगे। आप पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग यहाँ पे जॉब सीकर में अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं, यानी कि जो लोग प्री इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर चुके हैं उनको जॉब सीकर के लिए जॉब में वहां पे ओवरसीज जॉब में अप्लाई करने हैं, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है और इस प्रोफाइल के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। सिंपली जैसे यहाँ पे लॉगिन, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। सिंपली देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड जो है इस प्रकार ओपन हो चुका है, और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद से देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड और यहाँ पे प्रोफाइल हमारा दिखाएगा, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड व्यू अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। आपको मैं वीडियो बनाने से पहले यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जॉब ओवरसीज अप्लाई में दिखा रहा है आपका, यहाँ पे ऐसा नहीं दिखा रहा होगा अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो। अगर आप अप्लाई हो चुका है तो आपका भी ऐसे ही दिखाएगा, ओवरसीज अप्लाइड जॉब में एक दिखाएगा, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे अप्लाई दिखा रहा है तो सिंपली आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का यहाँ पे साइड में राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। देखिए मोबाइल से आप करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको यहाँ पे उभर के नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल से अपना प्रोफाइल ओपन करना है तो इस प्रकार का ऑप्शन तब तक नहीं आएगा, इस प्रकार का जो आप देख पा रहे हैं तब तक दिखाई नहीं देगा, इस प्रकार का तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक आप यहाँ पे थ्री लाइनिंग डॉट मोबाइल के कॉर्नर पे देखेंगे, थ्री लाइनिंग डॉट यहाँ पे दिया रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक दिखाएगा यहाँ पे, ये डेस्कटॉप है इसलिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा। आप जैसे यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे अपने मोबाइल पे तो दिखाएगा एक डेस्कटॉप मोड, ठीक है। डेस्कटॉप मोड पे आप क्लिक कर देंगे, एक बॉक्स देगा उस पे साइड में, उस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है इस प्रकार का आपका प्रोफाइल आपका भी यहाँ पे दिखाने लगेगा, ठीक है। जब जैसे ही आपका प्रोफाइल इस तरह का दिखाने लगेगा, जैसे ही प्रोफाइल आपका यहाँ पे इस प्रकार का दिखाई देने लगेगा और साथ में यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा पूरा इस तरह का डैशबोर्ड दिखने लगेगा, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे,
यहाँ पे राइट साइड में आएंगे और जैसे मैं यहाँ पे आप दिखा दे रहा हूँ आपको स्क्रॉल करके ये ऑप्शन दिखेंगे, तो इसमें आपको जो है माई रिज्यूम का ऑप्शन आएगा, माई डॉक्यूमेंट का आएगा, माई जॉब कार्ड का आएगा, न्यू अप्लाई जॉब का आएगा और यहाँ पे जॉब अप्लाई आएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप क्या करेंगे माई न्यू जॉब अप्लाई पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे माई न्यू जॉब, ठीक है, माई न्यू जॉब पे अप्लाई क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब एंड ओवरसीज जॉब आएगा। दो चीजें हमें यहाँ पे कॉमन चीज देखना है। सेकेंड नंबर इसमें रहेगा ओवरसीज जॉब, आपको अप्लाई करना है तो सिंपली आप यहाँ पे ओवरसीज जॉब वाले पे क्लिक करेंगे और ओवरसीज जॉब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे चार ऑप्शन खुल के आ जाएगा बाहर। देखेंगे यहाँ पे चार जो है ऑप्शन आपको एक देखने को मिलेगा। पहला हमारा मिलेगा जॉब टाइटल प्लास्टरिंग वर्कर अप्लाई नाउ, दूसरा मिलेगा जॉब टाइटल में आयरन बेंडिंग अप्लाई नाउ, तीसरा आएगा जॉब सीकर फ्रेमवर्क शटरिंग कारपेंटर अप्लाई नाउ, चौथा मिलेगा हमारा क्रेमिक टाइल वर्कर अप्लाई नाउ। यानी कि अब इसराइल के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि चार ही पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी है, चार ही पोस्ट के लिए अभी रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है, कितने पैसे आपको मिलेंगे पर मंथ, कितनी वैकेंसी है इस स्टेट के लिए, एज लिमिट क्या है और यहाँ पे पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए और यहाँ पे स्किल जो आपका किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, जैसे कि आपने कारपेंटर के लिए अप्लाई ऑनलाइन आवेदन किया है या आप जो है आयरन बेंडिंग के लिए जो है आप ऑनलाइन अप्लाई किया है और आप स्क्रीन टेस्टिंग पास कर चुके हैं, इंग्लिश स्क्रीन टेस्ट जो है पास कर चुके हैं, तो आपको जैसे ही ओवरसीज वाले के पास आने के बाद यहाँ पे देंगे तो आप यहाँ पे आपको एक चूज करना है। जैसे आपने आयरन बेंडिंग के लिए अप्लाई किया है तो आयरन बेंडिंग पे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे अप्लाई मैंने करा तो आप ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे वाले सेक्शन हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे लॉग आउट हो गया, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। तो सिंपली जैसे देखेंगे यहाँ पे आपका ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए मेरा यहाँ पे पहले आप रीड करेंगे सब कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जा रहा है। एज लिमिटेशन, सैलरी, एम्प्लॉय टाइप, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, पब्लिश्ड ऑन, टोटल वैकेंसी, ऑथराइज फाइल एंड ड्यूटी और सब कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब जो भी है सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, जैसे आपने अप्लाई नहीं किया तो ये आप एरो का चिन्ह देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपका येलो कलर में अप्लाई करने के लिए आएगा। मेरा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब, यानी कि मैं ऑलरेडी इसके लिए अप्लाई कर चुका हूँ और मैं स्क्रीनिंग टेस्ट पास करके यहाँ पे जॉब सीकर में अप्लाई कर चुका हूँ ओवरसीज जॉब में। आपका नहीं आपने किया है तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन में कि अप्लाई करने का, जैसे इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई वाले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट फेज आएगा कैप्चा फिल करने के लिए आएगा, 5-6 अंक का कैप्चा फिल करने, जैसे लॉगिन में समय हम लोग कैप्चा फिल करते हैं वैसे कैप्चा फिल करने के लिए देगा और ऑनलाइन अप्लाई वहां पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसको सबमिट करेंगे तो आपका भी जो है डैशबोर्ड मेरे तरह, जैसे मैंने आपको अपना डैशबोर्ड दिखाया, मैं आपको बैक चल के दिखा देता हूँ, तो वैसा भी आपका जो है ऑप्शन सिर्फ फाइनली डैशबोर्ड आने लगेगा। फाइनली जैसे डैशबोर्ड पे आएंगे तो कुल जो डैशबोर्ड होता है आपका भी एक ओवरसीज जॉब में एक अप्लाई जॉब दिखाएगा। तो समझिए आपका जो है अप्लाई ऑनलाइन हो चुका है, आपका भी डैशबोर्ड इस प्रकार दिखाएगा ओवरसीज अप्लाइड जॉब, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको ओपन करके भी चेक कर लेता हूँ कि मैंने जो अप्लाई किया है वो सही अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी ट्रेड मैंने जिस ट्रेड के लिए और जिस कंट्री के लिए अप्लाई किया है वो सारा चीज यहाँ पे दिखाई देगा। कुछ एंड वेट करने के बाद से देखेंगे यहाँ पे हमारा आ रहा है जैसे व्यू जॉब एम्प्लॉयर नेम में आ रहा है NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल NSDC संस्था है वहां पे दिखाई दे रहा है। जॉब टाइटल फ्रेमवर्क शटरिंग कारपेंटर, कंट्री इसराइल, अप्लाइड मैंने 5-10 को अप्लाई किया था और लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन 10-10 तक ये जो हम अप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्दी आप करेंगे आपका बेहतर होगा। बार बार ऑफिस के माध्यम से ये नोटिफिकेशन मिल रहा है कि जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, 400-500 लोग जो है पेंडिंग में चल रहे हैं, अप्लाई नहीं किए हैं, पास कर चुके हैं अप्लाई नहीं किए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है अप्लाई कर ले ताकि जो है आगे के ऑफिस से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और आपका जो है आगे का जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस हो सके, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसराइल से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन अगर आपको कोई दिक्कत हो या प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हो, डॉक्यूमेंट्स अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ हो या प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो रहा हो, इस तरह की बातें जो है आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछें। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना के दे रहा हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।